साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें सिलसिलेवार कुछ अहम बिंदुओं पर बात रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इन सब के बीच छूटा तो नहीं है, उस पर बात पहले भी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा भी उसमें कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। वो ये है कि जो निर्विवादित परीक्षाएं हैं उसमें सरकार क्यों नहीं अग्रिम कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में पूर्व में हम पत्राचार भी कर चुके हैं, मांग पत्र में भी स्पष्ट रूप से इस बिंदु का उल्लेख है कि जो गड़बड़ी वाली परीक्षाएं उन पर जांच चलती रहे और जो निर्विवादित परीक्षाएं हैं उनमें जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अग्रिम कार्यवाही जारी रखी जाए। तो एक बार पुनः मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विशेष अनुरोध है कि आप दो सूची बनवाइए। पहली सूची में आप जितनी गड़बड़ी वाली भर्तियां हैं उन सब की एक सूची बनाइए जिनमें गड़बड़ियों की आशंका है या जिनमें गड़बड़ियां सिद्ध हो चुकी हैं, उनकी आप सूची बनवाइए, उनमें आप जांच जारी रखें। और एक दूसरी सूची बनवाइए ऐसी भर्तियों की जो निर्विवादित रूप से हैं, इन सभी भर्तियों में जो अग्रिम कार्यवाही है आप उसमें अग्रिम कार्यवाही करवाइए ताकि जो अभ्यर्थी हताश से परेशान हैं उनकी शंका दूर हो सके। इस संबंध में पत्राचार पहले ही हो चुका है, आज फिर आधिकारिक रूप से एक पत्र और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। दूसरा बिंदु यह है कि जो पुलिस दरोगा में अभी शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ है जांच के लिए, उसमें जिक्र किया गया है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम हेतु जो अधिनियम है 1998 का, उसमें धारा 45 का जिक्र किया गया है। तो साथियों, जब मैंने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नकल रोकथाम में तो जो अधिनियम बनाए उसमें धाराएं पड़ी तो धारा 45 तो मुझे उसमें दिखाई नहीं थी। हो सकता है हमारे अधिकारियों को उसमें दिखी होगी। तो उसमें जो धारा 3 है, 4, 5, 7 और 8 है, तो इनमें जो अधिक से अधिक जुर्माने का मैं उसमें देख रहा हूँ 2,000 रुपया, 5,000 रुपया या 10,000 रुपया। और सज़ा कितनी है जी? 3 माह, 6 माह, 10 माह। जिन माफियाओं ने 15,20,000 रुपये देकर दरोगा की नौकरी प्राप्त की हो उनके लिए 5,000 कौन सी बड़ी बात है? तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने ये ठान लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर बाबा केदार की कसम खा ली है, तो थोड़ा सा दस्तावेजों के साथ भी आपको पक्का होना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कल आप कार्रवाई करें और दूसरे दिन कोर्ट से सारे के सारे आरोपी बरी हो जाएं और जनता ठगी की ठगी रही। इस दिशा में हमने पहले भी सबसे प्रथम दृष्टि हमें ये महत्वपूर्ण मांग थी कि नकल रोधी जो सख्त नकल रोधी कानून है, आप राजस्थान का नकल रोधी कानून रिव्यू कीजिए, अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ से आप नकल रोधी कानून पढ़िए, उस पर अमल करिए, चर्चा करिए और उत्तराखंड में एक ऐसा नकल रोधी कानून तैयार कीजिए कि पूरा देश इससे नज़ीर ले और अन्य राज्य हमारे नकल रोधी कानून को लागू करें अपने यहाँ। तो नकल रोधी कानून एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इन सब के बीच दबके रह गया था। तीसरा बिंदु यह उभर कर आ रहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा तिथि निर्धारित हो गई है, आवेदन मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो छूट रहा है, जिन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी 15,20,000 रुपये देकर जिनका चयन हुआ है, अगर सरकार उनको ब्लैकलिस्टेड नहीं करेगी तो वो अभ्यर्थी तो यहाँ भी आवेदन करेंगे, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि इन तीन बिंदुओं पर आप तत्काल एक संवाद जारी कीजिए जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनकी शंका दूर हो और ये स्पष्ट हो कि आगे क्या होने वाला है।